हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे भारत के ग्रासरूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे कि हम पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं। पंचायती राज सिस्टम के बारे में आज हम देखेंगे पंचायती राज सिस्टम के एक कमेटी के रिपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। इसके पहले से मैं आपको बोलूँगा कि आज है नवम्बर 15, आज झारखंड फाउंडेशन डे है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जब पंचायती राज सिस्टम का ये एक है, एक पहला रिपोर्ट था भारत के आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, पंचायती राज सिस्टम का पहला रिपोर्ट जो था वो था बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, जिसके ऊपर ये पंचायती राज सिस्टम भी टिका हुआ है। बाद में और सारे रिकमेंडेशन आए, बलवंत राय, जीबीके मेहता, गाडगिल, ये सब आए, लेकिन आज हम एक एक करके टोटल डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम पूरा देखेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर। जो आज के डेट में हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, ये आया था हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को, जो कि उसके द्वारा पंचायती राज सिस्टम पूरे देश में लागू हो गया। तो हम देखते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। एक्चुअली 1952 में जब इंडिपेंडेंस हुआ था भारत, और जब जनरल इलेक्शन चल रहा था, तो भारत सरकार क्या किए, वर्किंग ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम शुरू किए 1952 को। कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब कि कम्युनिटी लेवल में वो डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जो कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में वो क्रिएट किए। इन दोनों कमिटी को, ये दो जो प्रोग्राम वो भारत सरकार लॉन्च किए, इन दो कमिटी के ऊपर 1957 में वो क्या किए, बलवंत राय मेहता को इस कमिटी के चेयरमैन बना के भेज दिए। बोले कि जाओ इसके ऊपर जो बोलते हैं कि तुम अपना राय देना। ये कमिटी शुरू होता है 1957 जनवरी से, और अपना रिपोर्ट सबमिट करता है भारत सरकार को 1957 करीबन नवंबर के वक्त पे। ये जब पूरा रिपोर्ट सबमिट होता है, तो इसका रिकमेंडेशन एक्चुअली क्या होता है, मेनली ये जुड़ा रहता है हमारा पंचायती राज सिस्टम के ऊपर। इस रिपोर्ट में ये बोला जाता है, एक्चुअली पंचायती राज का मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टली बोलते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन अगर हुआ तो उसके द्वारा गांव के लेवल में, ब्लॉक लेवल में, सब डिवीजन लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर हम डेवलप किए तो ये हो सकेंगे। आज के डेट में पूरे भारत में सबसे ज्यादा विलेज यूपी में है, और सेकंड हाईएस्ट विलेज मध्य प्रदेश, एंड थर्ड हाईएस्ट ओडिशा। तो ये है हमारे विलेज का, ये पहले दूसरे तीसरे रैंक पे। तो ये जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी का एक्चुअली रिपोर्ट क्या था, वो बोले कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वहां पे 3 टायर होना चाहिए। 3 टायर का मतलब, एक होगा विलेज लेवल में, दूसरा होगा ब्लॉक लेवल में, तीसरा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो जो हमारा विलेज लेवल में होगा उसे हम क्या, जो कि आज के डेट में आप सरपंच के नाम से जानते हैं, वो जो इलेक्ट होंगे वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होंगे। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का रिपोर्ट में मेंशन था कि डायरेक्ट सरपंच इलेक्ट होंगे, जो ब्लॉक चेयरमैन होंगे और जो जिला परिषद होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होंगे। तो ये बलवंत राय मेहता अपने रिपोर्ट में सब ये लिखते हैं। तो उसके बाद ये जो सिलसिला चल रहा था, तो वो क्या हुआ, पंचायती राज सिस्टम को फिर कुछ ही स्टेट जो थे जो कि बोले कि हम 3 टायर सिस्टम को क्यों मानेंगे, हम अपने लिए 1 टायर भी कर, 2 टायर कर सकते हैं, 3 टायर भी कर सकते हैं, 4 टायर भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट के बीच ये सब चल रहा था। तो ये 57 में नवंबर को केंद्र सरकार के पास बलवंत राय मेहता जी वो जाकर रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये जो रिकमेंडेशन है एक कमिटी मान लेता है, जिसे कि नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बोला जाता है, जो कि 1958 में ये कमेटी के रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को पूरा मान जाता है जनवरी के करीब।
तो ये जनवरी के करीब जब एनडीसी मान जाता है, इसमें क्या होता है, 1959 2 अक्टूबर को भारत में पहला स्टेट जहां पे कि पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ वो है राजस्थान। अगर कोई कॉम्पिटेटिव में कोई भी क्वेश्चन में ये आए कि भारत का कौन सा पहला स्टेट है जहां पे कि पंचायती राज सिस्टम पहले लागू किया गया, वो है राजस्थान। अगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया तो वो है नागौर, जो कि 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती और शास्त्री जी के जयंती के दिन ये हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद फर्स्ट स्टेट बना हमारा राजस्थान, उसको फॉलो करते हुए आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बना, फिर हमारा ये सिस्टम ऐसे ही 1960 तक बहुत सारे स्टेट है कि जो कि ये पंचायती राज, ये बोलपंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट को मान के पंचायती राज सिस्टम अपने स्टेट में लागू कर दी। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जो कि बोले कि हम अपना 2 टायर सिस्टम मानेंगे, कोई बोले कि 4 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम। 2, 3, 4 एक्चुअली ये टायर है क्या? 2, 3, 4 टायर अगर हम देखेंगे, पहला होता है हमारा विलेज लेवल जो कि मैंने बोला, दूसरा होता है ब्लॉक लेवल, तीसरा होता है सब डिवीजन लेवल, चौथा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये रह गया हमारा 4 टायर। तो जहां पे 2 टायर है, 2 टायर मतलब डायरेक्ट विलेज, पहला विलेज फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। जहां पे 3 टायर है, विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट। जहां पे 4 टायर है, ये चारों लगेगा, विलेज ब्लॉक सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे कुछ स्टेट थे, जो कि तमिलनाडु था, वो बोला कि मैं अपने 2 टायर सिस्टम में काम करूंगा, डायरेक्ट विलेज उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। लेकिन वेस्ट बंगाल बोला कि मैं अपने 4 टायर सिस्टम में काम करूंगा, वेस्ट बंगाल एडॉप्ट किया 4 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, यहाँ पे कि विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में, सब डिवीजन लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इसे 4 टायर सिस्टम। ये था हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट में ये। तो ये कुछ स्टेट थे जो कि अपने ऊपर ये छोड़ा जाता है, क्योंकि ये पंचायती राज जो है ये कि डीपीएसपी के अंडर आता है। हमारा डीपीएसपी एक्चुअली क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पुलिस, स्टेट के हाथों पे रह जाता है। तो ये लोग बोले कि हम ये ऐसे करके बनाएंगे। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, अभी आते हैं कि पंचायती राज सिस्टम के एक्चुअली पावर क्या होता है। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश दो ऐसे स्टेट थे जो कि हमारे विलेज लेवल में या ब्लॉक लेवल में या सब डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट, तो इसी लेवल में ये जो 3 टायर सिस्टम ये जो अपनाए थे आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, जो 3 टायर सिस्टम अपनाए थे, वो बोले कि हमारा डेवलपमेंट एंड प्लानिंग रिलेटेड सब ज्यादातर पावर ब्लॉक के पास रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बोला गया कि ये दो स्टेट तो बोल दिए कि ब्लॉक लेवल में हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जितना ही पावर है ये है सब रहेगा, लेकिन उसी ग्राउंड में महाराष्ट्र और गुजरात क्या करते हैं, वो बोले कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जिला परिषद लेवल है उसके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का ये रहेगा, प्लान रहेगा। तो कुछ स्टेट है जो कि शुरू किए अपना न्याय पंचायत भी शुरू किए थे, जैसे कि हरियाणा एक न्याय पंचायत शुरू किया था। तो वो बोला जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल पंचायत, एक्चुअली यहाँ पे जो होता है टू ट्राई टू पीटी सिविल एंड क्रिमिनल केस, पीटी मतलब छोटा छोटा केसेस अगर सॉल्व किया जाता है, मतलब कि सॉल्व किया जाता है, तो न्याय पंचायत आप एक ये भी टर्म सुने होंगे। ये था हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी का ओवरऑल रिपोर्ट। और इसका जो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिपोर्ट में ये बोले थे कि जो हमारे ये टायर सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके चेयरमैन ही होंगे। थैंक यू।